वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और मोस्ट प्रोबेबली इसी लेक्चर में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक, जहां से हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। और हमारे क्या टॉपिक था, कोडिंग एंड नोमेनक्लेचर, इसको हम लिख के समझते हैं। देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जहाँ पर आप खुद नाम लिख सकते हो उस डॉक्यूमेंट को सेव करते समय। आप अपने कंप्यूटर्स पे जब सेव करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, उसका आप नेम कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था इस यूनिवर्सिटी स्लैश या अंडरस्कोर यूनिवर्सिटी का नाम। तो आप ऐसे करके आपने सेव कर लिया ताकि आपको बाद में बहुत ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए। और दूसरा है, कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली उनका नाम दिया रहता है और आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और जो नाम है जो जो सोर्स में उसका नाम जो सेव था या जो उसका सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली सेव होता है उसी नाम से। तो देखो, अब आपको समझ आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से। जैसा आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्टिव फाइल, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो आप अपने हिसाब से उसको नाम दे दो, तो ये आपके ढूंढने में आपको बहुत आसानी हो सकती है क्योंकि आपको पता है आपने क्या नाम रखा है, क्या किस नाम से रखा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो एक पैटर्न है हमारा सेव करने का तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 क्लाइंट्स है और 2 का नाम सेम है और आपने दोनों को एक जैसा ही सेव कर रखा है कुछ ऐसे करके, तो आपको फिर मुश्किल हो सकती है कि ये किस क्लाइंट का रिकॉर्ड है, नंबर 1 वाला नाम का या नंबर 2 वाला नाम का। और दूसरा केस है हमारा नॉन डिस्क्रिप्टिव, मतलब ये सिस्टम जनरेटेड सिक्वेंशियल नंबर न्यूमेरिकल स्ट्रिंग्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टम जनरेटेड ही नंबर होते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, और आपको ये चीज़ आपके हाथ में नहीं होती कि आप उसका नाम रखो, ये अपने आप इनका नाम बना बनाया आता है। और ये एक चीज़ लिखी गई है यहाँ पे कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल ये लिखो, फॉर एग्जांपल आप ये लिख लो कि ये मेरे क्लाइंट का नंबर है, ये नाम है, और ये हमारा कौन सा फाइल है, अंडरस्कोर करके ITR लिख लो, ये हमारा ITR है और ये किस ईयर का है, 2016-17। ठीक है, ये तरीका से अगर आप इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करते हो या सेव करते हो तो आपको एक्सेस करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है अगर 2016-17 के फाइल में अगर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये ITR है और ये हमारे क्लाइंट का नाम। फिर हमें बताया गया कि कुछ फाइल नेम्स रखने का क्या क्या बढ़िया तरीका है, जो बिसाइड्स हाइफन और अंडरस्कोर था उसके अलावा क्या क्या तरीका है, किस ढंग से हमें नाम अपने क्लाइंट के रिकॉर्ड्स है उसको कैसे रखना चाहिए, यूनिक होने चाहिए। दो चीज़ें अगर मिल रही हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था 2 क्लाइंट्स का नाम सेम था, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ अलग तरीके, फॉर एग्जाम्पल टाइटल तो अलग होगा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा, तो आपको वो चीज़, या रेसिडेंस का ही अलग होगा, कोई फरीदाबाद में रहता है कोई गुड़गांव में रखता है, तो अगर नाम भी सेम है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो अभिषेक, अभिषेक शर्मा, ठीक है, इस नाम का हमारा 2 क्लाइंट्स है। अब इन 2 क्लाइंट्स का नाम सेम है, सब कुछ सेम है, अब हम क्या करें, या तो उनके कोई ऐसा डिटेल रख दे, फॉर एग्जांपल ये था बंदा हमारा गुड़गांव का, तो उसको हम ऐसे सेव करते गुड़गांव, और दूसरा था फरीदाबाद का, तो हम उसको फरीदाबाद स्लैश करके रख दें। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगी, एक हमारे पास एक जानकारी होगी, एक अवेयरनेस होगा कि ये चीज़ उनका है, ये गुड़गांव वाले अभिषेक शर्मा और ये फरीदाबाद वाले अभिषेक शर्मा। ठीक है, परसिस्टेंट एंड नॉट टाइड टू एनीथिंग दैट चेंजेस ओवर टाइम और लोकेशन, मतलब एक बेसिकली रिकॉर्ड्स होना चाहिए कि एक फॉर एग्जांपल ABC स्लैश ईयर स्लैश कुछ, तो आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना और आपको कंसिस्टेंटली आप फॉलो करना है, जल्दी जल्दी उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चेंज करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे ये किनका डॉक्यूमेंट्स था। फिर है
लिमिट द कैरेक्टर लेंथ टू नो मोर देन 25 to 35 कैरेक्टर्स, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लंबे लंबे फाइल नेम्स रखने वाले तो फाइल नेम का क्या फ़ायदा, पूरा पता चलेगा, डॉक्यूमेंट का कंटेंट ही इतना में आ जाएगा। फिर यूज लीडिंग जीरोज टू फैसिलिटेट सॉर्टिंग इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि 1, 2, 3 की जगह आप इसको ऐसे रखो 001, 002, ताकि एक बेसिकली एक कंसिस्टेंसी आए आपके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने में, ठीक है। फिर है कंटेन अ फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन, वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है जिस फॉर्मेट में आप सेव करते हो। यूज़ अ पीरियड फॉरवर्ड बाय अ फाइल एक्सटेंशन, फॉर एग्जाम्पल ये आपको जब भी किस पीरियड से ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड है आप अगर वो करते हो, वो उस जैसे 2016-17 का एक एग्जाम्पल था मेरा, तो अगर आप ये चीज़ डाल देते हो तो आपको बहुत इजीली सॉर्टिंग हो जाती है। यूज़ लोअर केस लेटर्स, ऐसे देखो एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि कैसे रखना चाहिए आपको फाइल ना करना। यूज़ नंबर्स और लेटर्स बट नॉट कैरेक्टर्स और सिंबल्स दैट कुड कॉज कॉम्प्लिकेशंस अक्रॉस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कुछ कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, अगर आप वो फाइल में डालो तो एक फॉर्मेट तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन हो सकता है दूसरा फॉर्मेट बोले कि नहीं ऐसा फाइल नेम नहीं चलेगा। ऐसा आपने देखा होगा अपनी पर्सनल लाइफ में भी। यूज़ हाइफन अंडरस्कोर्स, ठीक है, स्पेस नहीं देना चाहिए, आपको भी नहीं देना चाहिए, बल्कि हाइफन अंडरस्कोर ही यूज़ करना चाहिए। यूज़ स्टैंडर्ड डेट अनोटेशन, या तो YMMDD या ऐसे स्पेस हाइफन दे दे के, या फिर विदाउट स्पेस। अवॉइड ब्लैंक स्पेसेस एनी वेयर विद इन द कैरेक्टर स्ट्रिंग, ब्लैंक स्पेसेस नहीं देना है। नॉट यूज़ ओवरली कॉम्प्लेक्स और लेंदी नेमिंग स्कीम, जैसे ये एक एग्जाम्पल, ये आपको समझ आया क्या लिखा है, समझने की कोशिश करो। फाइल नेम कन्वेंशन जोज फाइनल वर्जन एडिटेड फाइनल, अब बताओ ये चीज़ समझने में ही आपको 10 मिनट लग गए तो आप काम कब करोगे। बिल्कुल वही बात है। 10 बेसिक रूल्स दैट कुड सर्व एज अ जनरल गाइडलाइन फॉर स्ट्रक्चरिंग फोल्डर नेम फाइलिंग नेम। अवॉइड एक्स्ट्रा लॉन्ग फोल्डर नेम, हमें हम पहले भी देख चुके हैं, ये आप रीड कर लेना, इसमें वही चीज़ को बार 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 रिपीट की गई है। सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है सर्कुलेशन। देखो जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो ना एज अ CS, तो आपको पता होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट किन किन के हाथों में जानी चाहिए, या ये इंफॉर्मेशन किन किन को पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप एक डॉक्यूमेंट को सर्कुलेट करते हो। अगर एक नॉर्मल डे टू डे का इंफॉर्मेशन था कि ये चीज़ लॉ में चेंज आई है, तो आप सभी फंक्शनल हेड्स को बता रहे हो। लेकिन अगर कोई क्रूशियल चेंजेस है कि हम ये सोच रहे हैं, हमारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आज उसने मीटिंग की है कि हम मर्ज करने का सोच रहे हैं, तो ये चीज़ तो आप हर फंक्शनल हेड्स को नहीं बताओगे, उनकी ज़रूरत की काम की नहीं है, तो उन चीज़ों को सीमित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये आप रीड करो। सेफ्टी एंड रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ उन डॉक्यूमेंट्स को सेफ तो रखो ही, और वो जब ज़रूरत पड़े वो आप रिट्रीव आसानी से कर पाओ। ये क्या लिखी गई है आप देखो, पहला है ऑपरेटिंग लॉग्स, द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव ऑल वर्कड ऑन द सेम डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक बेसिकली वर्जन कंट्रोल की तरह ही है कि किसने क्या काम किया, किसने क्या चेंजेस किए डॉक्यूमेंट्स में, वो आप ट्रैक कर सको। रिजल्ट ऑफ रिव्यूज, इट द रिकॉर्डिंग ऑफ द चेंज सजेस्टेड बाई ईच रिव्यूअर एंड द बेसिस ऑफ रिजेक्शन और नॉन अग्रीमेंट। अगर कोई भी चेंजेस रिव्यूअर ने, जिसने भी डॉक्यूमेंट्स को देखा है, उसने कहा कि आपको ये चेंजेस कर लेने चाहिए, तो आपको ये बताना चाहिए कि आपने अगर किए हैं तो ठीक है, हाँ बता दो टिक करके कि हाँ ये रिव्यू का ये चेंजेस हमने किया है, रेलिवेंट चेंजेस। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो उसको भी डिस्क्लोज करो कि हमने ये चेंज नहीं किया और क्यों नहीं किया, वो हो सकता है ज़रूरी नहीं था आपके अकॉर्डिंग। इंस्पेक्शन, जिन्होंने भी एक्सेस किया है उनका लिस्ट हमेशा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आपके पास एक रजिस्टर होता है गेट पे, जो एक बेसिक गार्ड रखता है कि कौन आया, क्यों आया, कितने बजे आया, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, विल इज इन द मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस पर्सन टू हुम द फाइल इज शेयर,
उसने काम किया कि नहीं फाइल पे, वो भी आप पता लगा सकते हो। तो इससे आप पता चल सकता है कि वो बंदा है कि नहीं, उसने काम जो उसको ऑथराइज किया गया था कि आप ये चेंजेस करके दो मुझे डॉक्यूमेंट में, ये ऐड करके दो, तो कि उसने किया कि नहीं, उसके बेसिस पे आप उनके जॉब को परफॉर्म इवेलुएट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन एनालिसिस प्रोवाइड इज इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स, वही चीज़ वही बात की गई है। फिर है द केयर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स इज गवर्न बाय थ्री कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहा गया है, कीपिंग टुगेदर से आप क्या समझ पाते हो, मतलब इकट्ठा रखना। इकट्ठा क्या रखना, किस बेसिस पे इकट्ठा रखना। हो सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे, तो आप उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्शन को एक फाइनेंस सेक्शन बना के एक अलग फोल्डर या अलग जगह रख दो। फिर है कोई मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी तो उसको अलग रख सो, क्योंकि देखो जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन को अलग रखते हो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपका बेसिस अलग भी हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियल था तो इसको हमने यहाँ रख दिया, लेस कॉन्फिडेंशियल उसको यहाँ रख दिया, और जो एकदम ही कोई भी एक्सेस कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता उनको हम लोअर लेवल पे रख सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इकट्ठा रखते हो एक बेसिस बना के, किसी भी बेसिस पर आप डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई करो और फिर उनको इकट्ठा रखो। चलो प्रिजर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से प्रिजर्व करना है, किस ढंग से प्रिजर्व करना है, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। पहले तो ढूंढना है कि कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। और ये इस प्रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में एक चीज बहुत ही क्रूशियल होती है कि आपको अपने लॉ का भी ध्यान रखना है। लॉ कहता है 7 साल तो आपको 7 साल रखना है, लॉ कहता है 8 साल तो 8 साल रखना है, लॉ कहता है कि अगर ये चीज हो गई तो आपको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करना है वो डॉक्यूमेंट, तो आपको करना ही है। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि आपको वो डॉक्यूमेंट कितनी जरूरी है। देखो डॉक्यूमेंट्स बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर हम दे दें मीटिंग का एजेंडा, तो आपको लगे हाँ ये तो जरूरी, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ये 2002 का 2003 फाइनेंशियल ईयर का था, तो आपको लगेगा कि ये जरूरी है, बिल्कुल नहीं, कोई खास था नहीं, क्योंकि आपके पास मिनट्स ऑलरेडी है तो एजेंडा का क्या करोगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप क्लासिफाई करते हो, क्लासिफाई कैसे करते हो वो भी मैं आपको, तो इसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर कर रखा है आपके लिए, और ये चार्ट बिल्कुल ही जो हमारा जो बुक में लिखा गया वही चीज़ को मैंने एक चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो हम इसको तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस चीज़ को क्लासिफाई ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, कि आज भी उनकी ज़रूरत है भी कि नहीं, या उनको समेट के अंदर रख देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लो कि गर्मी के दिनों में आप अपने ठंडे कपड़ों के अपनी अलमारी में एकदम अंदर रख देते हो जहाँ से आपकी एकदम ज़रूरत नहीं है, और जो डे टू डे के कपड़े हैं उनको अलग शेल्फ में रखते हो, और जो आपके ऑफिशियल कपड़े हैं उनको अलग जगह रखते हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें क्लासिफाई करने का एक बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज या रेलेवेंस, आज के टाइम में वो रेलेवेंट कितना है उसके बेसिस पे हम इसको तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं जो आपके सामने हैं। आप उसे लिख लो, पॉज करके लिख लेना, करंट फेज, सेमी करेंट फेज और नॉन करेंट फेज। जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, करेंट फेज मतलब अभी उसकी लेटेस्ट में ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है, उसको हम कहीं भी अपनी नज़रों से दूर तो नहीं रख सकते। सेमी करेंट फेज, हाँ देखो ज़रूरत तो है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, इनफ्रिक्वेंटली। नॉन करेंट फेज मतलब इस फेज में आते आते या तो आप उसको डिस्ट्रॉय ही कर देते हो डॉक्यूमेंट को, या फिर उसको आर्काइव में डाल देते हो कि एकदम ही अब जरूरत नहीं है, ठीक है। हम ये सब समझ गए, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ये सब आप रीड कर लेना। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एक बार फिर से बोलो, आपकी, बिल्कुल सही, सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रिजर्व करके रखना, तो हम करेंगे। और
हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी होगी ना जिससे उस जो डॉक्यूमेंट है उसका लाइफ बढ़ जाए। लाइफ कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक इनवॉइस है उसका इंक उड़ जाता है, तो उस चीज को आप अपनी स्ट्रैटेजी में जब फ्रेम करोगे स्ट्रैटेजी, तो आप उस चीज का ध्यान रखोगे। तो जब आप पॉलिसी फ्रेम करते हो ना कि हमें कैसे प्रिजर्व करना है, हमारे क्या पॉलिसी है, उस प्रोसेस में आप इन सब चीजों, इन सब फैक्टर्स का ध्यान जरूर रखते हो। ठीक है, और ये रेगुलेशन कौन सा है जो हमारा LODR का है, वो है Regulation 9 एंड Regulation 30H। बिल्कुल, ये हमारा रेगुलेशन किसका है, LODR का। इन सब रेगुलेशंस में हमें ये चीज बताई जाती है, ये पॉलिसी जब हम फ्रेम कर रहे हैं तो हम क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हमारी ये पॉलिसी होनी चाहिए ताकि एक स्टैंडर्ड हो जाए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिफर ना करे। क्योंकि अगर आप एक बात बताओ, जब हम पे अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी जाए कि हम जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हो फ्रेम, तो आपकी पॉलिसी और मेरी पॉलिसी में डिफरेंस होगा। लेकिन इस चीज को एक यूनिफॉर्म लाने के लिए रेगुलेशंस में इन चीजों का जिक्र किया गया है, और वो बिल्कुल सही भी है कि हमें कैसे रखना चाहिए। इस हेडिंग को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है एनालिसिस एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्जिस्टिंग सिस्टम। पहले आप ये देखो कि आपका एक्चुअल सिस्टम जो अभी चल रहा है वो क्या है। ठीक है, फिर है ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिकॉर्ड्स। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, रिकॉर्ड्स आते हैं, आप उसको एनालाइज करो, आप उसको कंट्रोल करो। कंट्रोल एज इन कि आप देखो कि उसका ऑर्डर ट्रेल क्या है, उसका रीच कहाँ तक है, उसकी ज़रूरत है भी किसी को या नहीं। प्रोवाइडिंग फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है तो उनको किसी का भी हाथ नहीं लगना चाहिए। मैनेजिंग रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड सेंटर, जो हमने एक कमरा बना के रखा है उसको हमने रिकॉर्ड सेंटर नाम दे दिया, और आपको उस रिकॉर्ड सेंटर को मैनेज करना आना चाहिए। मैनेजिंग आर्काइव्स, जो हमारा थर्ड फेज था ना, नॉन करेंट फेज, उस फेज में जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं आपको आर्काइव्स में डाल दो या उसको डिस्ट्रॉय कर दो अगर काम के नहीं है। सपोर्टिंग एंड सस्टेनिंग द प्रोग्राम, प्रोमोटिंग रिकॉर्ड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। जब भी आपकी सर्विसेज, जब भी आपकी जानकारी अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। ये है हमारा जो रेगुलेशन जिसका हमने जिक्र किया था यहाँ पर है, वो हमारी दी गई है प्रॉपर, पूरी की पूरी रेगुलेशन बताया गया है। उसको आप एक बार गो थ्रू करो कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और जो पॉलिसी होनी चाहिए वो हमारे वेबसाइट पर झलकनी चाहिए, मतलब वो होनी चाहिए कि हाँ, बतानी चाहिए आपकी वेबसाइट लोगों को कि हम ऐसा ऐसा हमारा पॉलिसी है कि अगर ज़रूरी डॉक्यूमेंट है तो हम एकदम पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हमारा फायरवॉल है, हमारा बहुत सारा ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर हम लगा। पहले फिर है क्लासिफाई करना अपने डॉक्यूमेंट, परमानेंट, 8 ईयर्स या 3 ईयर्स। एक तो डॉक्यूमेंट, जैसे हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है MOA AOA, वो तो आपको हमेशा ही रखना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको 8 साल तो मिनिमम रखने ही हैं। ठीक है, उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको रखने होते हैं, उसमें आपकी नेग्लिजेंस नहीं चलेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मिनिमम 3 ईयर्स तो आपको रखने ही होते हैं, तो उन बेसिस पर जो भी हमारा रेगुलेशंस कहता है उस बेसिस पर आप उसे क्लासिफाई करो और उसको सिग्रीगेट करो। ये चीज़, और इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करते हो ना, मतलब जब आप कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हो फिर उसको एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो उनकी जॉब प्रोफाइल्स में भी ये बात झलकनी चाहिए कि आप उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो। और उन एक्सपेक्टेशंस में एक चीज़ ये है कि अगर वो डॉक्यूमेंट जो उनके हाथ में आती है या उनके जो भी काम के डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको वो चीज़ कैसे मेंटेन करनी चाहिए, वो पॉलिसी क्या होगी, तो वो चीज़ भी हमें बतानी होगी उनको। और फिर वो चीज़ हम अपने वेबसाइट पे LODR के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज भी करेंगे। पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द पॉलिसी, जो भी हमने पॉलिसी बनाई है उसे CEO पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे ऑफ द कंपनी। सस्पेंशन ऑफ रिकॉर्ड डिस्पोजल इन इवेंट ऑफ लिटिगेशन ऑफ क्लेम्स। देखो, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा था 3 साल तक ही रखना था, लेकिन एक सूट हो गया,
हम चले गए कोर्ट या हमारे खिलाफ किसी ने कर दिया, तो अब ये डॉक्यूमेंट का टाइम आ गया था कि हम इसे डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन अब तो इसकी ज़रूरत बढ़ गई है, तो हम इसे अब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब तक ये सूट पेंडिंग है तब तक हमें इस डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना होगा। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट का टाइम पीरियड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। वेब आर्काइवल डिस्क्लोज ऑन इट्स वेबसाइट ऑल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन विच हैज़ बिन डिस्क्लोज टू दी स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी का जो भी 5 साल तक का या 3 साल तक का जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसे हमें बनाना होगा। ये आप एक बार रीड कर लेना, ये बताया गया कौन से डॉक्यूमेंट परमानेंट होंगे, कौन से 8 साल होंगे, कौन से मिनिमम 3 ईयर्स होंगे। सेटिंग अप ऑफ अ रिकॉर्ड रूम, कुछ फैक्टर्स इसमें दिए गए हैं। तो इस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेटिंग अप ऑफ अ रिकॉर्ड रूम, मतलब हमें एक रिकॉर्ड रूम, चाहे वो फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों ही, जो हमारा रिकॉर्ड रूम इलेक्ट्रॉनिक के केस में होगा वो होगा सर्वर रूम, जहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, ठीक है, जहाँ से हम एक्सेस करते हैं। तो अब आपका ये क्वेश्चन आता है ना कि उस जो हमारा रिकॉर्ड रूम होगा उसको हमको कैसे मेंटेन करना है, क्या फैक्टर्स को हमें दिमाग में लेकर चलना है, ठीक है। पहला, जैसा आप देख रहे हो 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो हम उससे पहले वो डिस्कस करते हैं। कन्वीनियंट लोकेशन, आप ये सोचो कि अगर एक ऑफिस का ब्रांच हमारा था एक पहाड़ के ऊपर, बहुत ही रिमोट एरिया में था, तो हमें क्या वो लोकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स रख देने चाहिए। फिर दूसरा सिचुएशन आप ले लो, एक बहुत ही सेंसिटिव, मतलब वहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, नक्सलाइट्स है, बहुत ही टेंस सिचुएशन हमेशा वहाँ रहता है, तो क्या हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रख देने चाहिए। थर्ड ले लो, हमारा एरिया है बॉर्डर एरिया, वहाँ पर शेलिंग होती है, सीज फायर होता है, तो क्या हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ रख देने चाहिए। ये देखो, आपको ये सब सिचुएशंस देख के ही समझ आ गया होगा, जो मैंने तीनों ही सिचुएशन के एग्जांपल दिया, कि नहीं वो डॉक्यूमेंट का रखने का जगह बिल्कुल सही नहीं। तो पहला तो वो कन्वीनियंट होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए कि आप एक तो आराम से जा सको, आपको ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ चढ़ के फिर आपको जाना हो माउंट एवरेस्ट पे, आपने एक ब्रांच खोल दिया और फिर वहां पर जाकर आपको वो चीज़ को एक्सेस करना पड़े, वो बिल्कुल सेंसलेस बात हो जाएगी। फिर है केप्ट सेपरेट, जो हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा है ना, वो रोज़मर्रा के जो फालतू डेटा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इनवॉइसेस ले लो, जो एकदम बेसिस होते हैं हमारे रिकॉर्ड कीपिंग के, इनवॉइसेस रखना ज़रूरी नहीं है। उससे जो डेटा इंफॉर्मेशन डिराइव की गई है, जो फाइनल क्रक्स है, समरी है, उसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है सिक्योर एंड वेल मेंटेन्ड, मतलब सिक्योर्ड होना चाहिए, किसी की भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि एक पॉइंट को बहुत बार कहा गया है, क्योंकि देखो हाँ, ज़रूरी चीज़ों को हमें बार 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 बोलना होगा, बार बार लिखना होगा, एग्जाम लिखने जो बुक जिसने ड्राफ्ट किया है उसने लिखा है, तब जाके हमें समझ आए कि इस चीज़ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर एक पॉइंट यहाँ पर है आप सबके सामने, कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि बेसमेंट चलेगा क्या, मेरी कंपनी का ऑफिस है तो उसका एक बेसमेंट है जो खाली पड़ा रहता है, फिर हमने सोचा कि वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं, वहाँ वैसे भी कोई आता जाता तो है नहीं, क्योंकि अगर हम वहाँ ऊपर ऑफिस में रखेंगे तो एक रूम फालतू में वेस्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपने डिसीजन लिया है तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि बेसमेंट इज़ द वर्स्ट प्लेस टू कीप रिकॉर्ड्स। फिर है तो आपने मुझसे पूछा कि तब आखिर क्या चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए, जब हमारा एक प्रॉपर रूम बनेगा तो क्या चीज़ हमें दिमाग पे रखनी चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि आप देखो बेटा, 3 पॉइंट्स को आपको रखने चाहिए दिमाग में, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड लाइट। तो आपने पूछा है ये क्या है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों। ह्यूमिडिटी कैसे, देखो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, मतलब ह्यूमिडिटी को हमारे यहाँ उमस कहते हैं या फिर आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे, जो वो एक अजीब सी गर्मी सी हो जाती है, वाटर जो परसेंटेज है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो उससे फंगस या इंसेक्ट्स जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मतलब उनके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर सके। तो अगर आप सोचो कि अगर हमारा बहुत ज़्यादा ह्यूमिड सिचुएशन है, तो हमारे यहाँ जो हमारा बेसमेंट, हमारा जो सॉरी बेसमेंट नहीं, जो हमारा जो सेट रिकॉर्ड रूम था उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ पता चलेगा कॉकरोचेज ने प्रोड्यूस अपनी फैमिली लाइन बढ़ाना चालू कर दिया, तो आपके लिए बहुत ही गलत है, आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत गलत है। सेकेंड इज टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर है उतना बढ़िया, ठीक है।
जनरली जैसे आपने बहुत सारे चॉकलेट्स पे लिखा होगा कीप फॉर बेस्ट कंडीशन, मतलब कीप इट इन अब कूलर प्लेस, कुछ ऐसा लिखा रहता है। तो आप ये सोचो कि कूलर प्लेस क्यों? क्योंकि जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स, ऐसे क्रिएचर्स पनप जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स बढ़ जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है, जो कि हमारे सर्वर के लिए सही नहीं है। थर्ड पॉइंट इज लाइटिंग। लाइटिंग में आपने क्या सोचा कि जो हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लायक कम से कम लाइट होना चाहिए? बिल्कुल सही, वो तो होनी ही चाहिए, वो एकदम आप सही कह रहे हो। लेकिन ऐसी लाइट्स भी हमारे यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जैसे इंफ्रा रेड या यूवी रेडिएशंस, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को हार्म पहुँचा सके। हमारे यहाँ यूवी फिल्टर्स होने चाहिए, जो कि उस चीज़ को फिल्टर कर दे और वो हमारे जो डेटा रूम है, रिकॉर्ड रूम है, उसमें एंटर ना कर सके। बिल्कुल वही चीज़ को लिखा गया है जिस पर हमने अभी डिस्कस किया। सेकेंड इज प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स कंट्रोल। देखो, वील कीप दिस वीडियो शॉर्ट। इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बस दो पॉइंट्स और रहते हैं। प्राइवेसी बिल है एक, और एक है प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स कंट्रोल। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए यू प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल चैनल इफ यू लाइक द वीडियोज। थैंक यू सो मच।